नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। दोस्तों मैं हूं विपिन महतो और बीएड में नामांकन से संबंधित एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं दोस्तों। जी हां दोस्तों, झारखंड में बीएड में नामांकन के लिए दोस्तों जितने भी अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने एडमिशन ले लिया है अपना फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड ऑनलाइन काउंसिलिंग में, फिर भी दोस्तों बीएड कॉलेजों में बहुत सारे सीट्स खाली रह गए थे, सीट्स भरे नहीं थे, जिसके कारण दोस्तों झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद ने दोस्तों थर्ड राउंड ऑनलाइन काउंसिलिंग से रिलेटेड एक अपडेट जारी किया है दोस्तों। और ये अपडेट 1 मार्च 2021 को जारी किया गया। आप देख सकते हो यहाँ पर 1 मार्च 2021 को जारी किया गया है ये अपडेट। और ये अपडेट जो है दोस्तों थर्ड राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग से संबंधित है। इसमें दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण तिथियां हैं, जैसे कि आप कब फिर से अपना एप्लीकेशन फॉर्म एडिट करोगे, ठीक है, उसके बाद आपका फिर से फाइनल मेरिट लिस्ट कब आएगा, उसके बाद आपको एडमिशन कब से कब तक लेना है दोस्तों, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझ सकते हो। जितने भी लोगों का एडमिशन नहीं हुआ था, कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, उन लोगों के लिए एक लास्ट मौका है। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। आपको ये जो अपडेट है दोस्तों आपको ऑफिशियल साइट पर मिल जाएगा, झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद के ऑफिशियल साइट पर भी मिल जाएगा। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ और बताने भी हूं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और थोड़ा सा सपोर्ट करना। तो चलिए देखते हैं अपडेट जो है आया है हमारा झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद के द्वारा। विज्ञापन संख्या ये है हमारा, शैक्षणिक सत्र 2020-22 में बीएड पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु तृतीय ऑनलाइन साक्षात्कार संबंधित महत्वपूर्ण सूचना। जी हाँ दोस्तों, नामांकन हेतु, ठीक है, तृतीय ऑनलाइन साक्षात्कार संबंधित महत्वपूर्ण सूचना आप देख सकते हो 1 मार्च 2021 को जारी किया गया है, मतलब आज। शैक्षणिक सत्र 2020-22 में बीएड पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु प्रथम एवं द्वितीय से अनुशंसित अभ्यर्थियों के नामांकन प्राप्त रिक्त बचे सीटों पर नामांकन हेतु तृतीय ऑनलाइन साक्षात्कार दिनांक 3 मार्च 2021 से आयोजित की जा रही है। इस साक्षात्कार में वैसे सभी अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जो प्रथम द्वितीय साक्षात्कार में शामिल नहीं हुए या जिन्हें इन साक्षात्कार में सीट आवंटन नहीं हुआ या सीट आवंटन होने के उपरांत भी नामांकन नहीं ले सके हैं। उसके बाद दोस्तों वैसे अभ्यर्थी जो आवेदन में स्नातक का प्राप्तांक प्रतिशत, आरक्षण की कोटि, स्नातक उत्तीर्णता, विश्वविद्यालय का राज्य गलत दर्ज करने के कारण आवंटन नामांकन से वंचित रह गए हैं, वे 3/3/2021 से 4/3/2021 तक पुनः लॉगिन कर आवश्यक सुधार अवश्य कर लें। अभ्यर्थियों को नामांकन से समय आवंटित सीट के अनुरूप प्रमाण पत्र अनुशासित संस्थान में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अतः अभ्यर्थी उस आरक्षण कोटि का दावा करें जिसका प्रमाण पत्र उनके पास उपलब्ध है। वांछित प्रमाण पत्रों के प्रारूप पर्षद की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। तो मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं जो इम्पोर्टेंट तिथियाँ हैं, महत्वपूर्ण डेट्स हैं, उनको मैं दिखाता हूँ आपको। दोस्तों ऑनलाइन एडिट करना है कैटेगरी क्वाटा, ऑब्टेन मार्क्स और स्टेट ऑफ पासिंग यूनिवर्सिटी बाय ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स। तो जो भी आपको एडिट करना है, करेक्शन करना है, वो आप 3 मार्च 2021 से लेकर 4 मार्च 2021 तक आप ऑनलाइन एडिटिंग कर पाओगे। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर थर्ड राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग, यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है दोस्तों, यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है थर्ड राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए 5 मार्च 2021 को, ठीक है, मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा आपका 5 तारीख को फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड च्वाइस फिलिंग एंड सीट अलॉटमेंट, आपको फिर से सीट अलॉटमेंट करना है दोस्तों, मिलेगा और च्वाइस फिलिंग करना है आपको एक बार फिर से, जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है च्वाइस फिलिंग फिर से करना है आपको 7 मार्च 2021 से लेकर 10 मार्च 2021 के बीच में दोस्तों। और आपका प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा, सीट अलॉटमेंट लेटर आपका आएगा 15 मार्च 2021 से लेकर 20 मार्च 2021 के बीच में। और इसी बीच आपको एडमिशन भी लेना है दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन इन द कंसर्न इंस्टीट्यूट। 15 तारीख को आपका सीट अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, उसके बाद 15 से 20 तारीख तक के बीच में आपका नामांकन का प्रक्रिया चलेगा जो कॉलेज आपको अलॉट किया जाएगा। आई होप आपको अपडेट अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को उन साथियों के साथ गए जाए, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और वैसे अभ्यर्थी जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, जो परेशान थे
थर्ड राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए, उनके साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। जितने भी आप व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम चैनल्स हैं, उनमें शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।